अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अली है। मैं हूँ बिलाल। तो आज हम करेंगे बाजू के लिए ट्रेनिंग, जिसमें बाइसेप और ट्राइसेप दोनों शामिल हैं। बेसिकली होता ये है कि हम 6 दिन में 6 मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स करते हैं, लेकिन क्योंकि ये बिगिनर सीरीज़ है तो आप 5 दिन ट्रेनिंग कीजिए और 2 दिन रेस्ट कीजिए। तो बाजू की जो ट्रेनिंग है यानी बाइसेप ट्राइसेप आप एक ही दिन में करेंगे, ठीक है। टोटल हम आपको बताएँगे 3 एक्सरसाइजेज बाइसेप के लिए और 3 एक्सरसाइजेज ट्राइसेप के लिए बताएंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज शुरू करते हैं। ओके, मैं और अली आज यही बात कर रहे थे कि ये जो प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट के बारे में बातें हैं, प्रोटीन शेक्स के बारे में बातें हैं कि ये नहीं लेने चाहिए। ये बिल्कुल मेरी तरफ से तो ये बिल्कुल गलत था, क्योंकि जितने बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स हैं, जितने बड़े बड़े एथलीट्स हैं, ये सब ये चीज़ें लेते हैं, मल्टीविटामिन लेते हैं, ये लेने चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ की डाइट इस तरह की नहीं है कि हम उनसे अपनी जो ज़रूरत है बॉडी की वो पूरी कर सकें, तो इसलिए हम प्रोटीन शेक सप्लीमेंट और प्री वर्कआउट पोस्ट वर्कआउट मल्टीविटामिन्स को इस्तेमाल करते हैं। इनको ज़रूर इस्तेमाल करें, लेकिन बहुत स्टार्टिंग में इन चीज़ों को लेना मेरा ख्याल है ठीक नहीं है। पहले अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट बनाएं कि आपकी बॉडी को प्रोटीन इनटेक चाहिए इतना ज़्यादा, कि आप प्रोटीन का 1 स्कूप लेना शुरू करें, 2 लेने शुरू करें आपने, वो ठीक है। लेकिन पहले दिन ही जाके अभी आपसे 15 सेट्स नहीं हो रहे 8 to 10 reps के और आप प्रोटीन शेक पर लग जाएँ, ये थोड़ा सा गलत है। और कोशिश करें कि अच्छे ट्रेनर्स के साथ वर्कआउट करें, अच्छी डाइट लें, हेल्दी फूड लें, वाटर इनटेक एटलीस्ट 3 लीटर होना चाहिए आपका, और हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक करें और हमें फॉलो कीजिए। तो सबसे पहले हम वार्म अप से शुरू करेंगे। वार्म अप के लिए हम 2 एक्सरसाइजेस करेंगे, डंबल से और रॉड से, ठीक है। तो वार्म अप शुरू करते हैं, 10 10 रेप्स के 2 2 सेट करेंगे हम, ठीक है। शुरू करते हैं जी। कंट्रोल स्लो वार्म अप सिर्फ इसलिए होता है ताकि आपके जिस मसल का वर्कआउट हो रहा है उसमें ब्लड सर्कुलेशन ब्लड फ्लो बढ़ जाए, आपके इंजरी के चांसेस कम हो जाते हैं और आप जो है वो मसल की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा। थैंक यू। ओके, डंबल्स के साथ वार्म अप मैंने कर लिया है, अली बार के साथ वार्म अप करेंगे। हाँ जी, बाइसेप का सेकंड वार्म अप करने लगे हैं हम, और आप देखिए अली क्या ग्रिप कर रहे हैं और इनका एंगल क्या होगा। इनकी बार की ग्रिप देख लें, शोल्डर से स्लाइटली वाइड है, शोल्डर्स बैक एल्बोज लॉक्ड। कम ऑन मैन, वेरी गुड। बाइसेप कर्ल विद बार कर रहे हैं हम, 10 रेप्स कर रहे हैं और 2 सेट्स कर रहे हैं इस एक्सरसाइज के। ये वार्म अप सेट्स हैं हमारे, अच्छा ब्लड फ्लो मसल में हो, ऑर्गेनाइजर मूवमेंट, वेरी नाइस अली, वेरी गुड। बाइसेप का पहला सेट लगाने लगे हम इजी बार पे, 4 सेट करेंगे और 10 रेप करेंगे। अली ग्रिप करेंगे, वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रिप है, इनकी ग्रिप स्ट्रॉन्ग है, वेरी नाइस, फुल रेंज ऑफ मूवमेंट है, वेरी गुड अली, वेरी गुड, एक्सेलेंट। एल्बोज लॉक्ड है इनकी, जर्क नहीं ले रहे, स्विंग नहीं ले रहे, परफेक्ट सेट लगा रहे हैं, इतना ही कंट्रोल सेट लगाना है आपने, एक्सीलेंट। टू मोर, वन मोर, वेरी नाइस, गुड सेट, परफेक्ट सेट लगाया अली ने और फुल रेंज ऑफ मूवमेंट के साथ, कोई स्विंग नहीं था, कोई जर्क नहीं था, वर्कआउट वेट मैटर नहीं करता,
आप हैवी वेट लगा रहे हैं और ज़्यादा स्विंग ले रहे हैं, जिस मसल का वर्कआउट हो रहा है उससे लोड नहीं आ रहा, मेरा ख्याल है उसको उतना फायदा नहीं। आप कंट्रोल्ड वेट लगा रहे हैं, आप स्विंग नहीं ले रहे, आप जैक नहीं ले रहे, चाहे वेट लेस है, आपके मसल पे पूरा लोड आ रहा है, दैट्स परफेक्ट। सेकेंड एक्सरसाइज हमारी सिटी डबल कर रहे हैं और इसके हम 10 रेप्स करेंगे 4 सेट के साथ। अली स्टार्ट करेंगे। गुड मूव, गुड कंट्रोल वर्कआउट हो रहा है, कोई स्विंग नहीं है, कोई जर्क नहीं है, वेरी नाइस अली, वेरी गुड, एक्सेलेंट, फुल रेंज ऑफ मूवमेंट, कंट्रोल सेट है, अप, गुड सर। सिटी डंबल तो अली ने अभी लगाए हैं, इसको दो तरह से लगा सकते हैं, वैसे तो लोग काफ़ी गलत एंगल लगाते हैं, अभी ये रोटेट कर रहे थे इसको, तो ये भी ठीक है, जो मैं रिकमेंड करूँगा वो अली आपको बता देंगे कैसे लगाना है। कम अली, पहले अपने हमने रिस्ट को ट्विस्ट किया था, ठीक है, अब हम ट्विस्ट नहीं करेंगे, और पहले हमारी पोजीशन थी ये, जब आप ट्विस्ट कर रहे थे तो ये पोजीशन थी, यहाँ से ट्विस्ट होके आ रहा था, लेकिन जब स्ट्रेट करना ना आपने, पोजीशन देख लें आप, पोजीशन ये है, ठीक है, सीधा करना और एल्बो को थोड़ा सा आगे निकालना आप, ठीक है, और ये वन बाय वन करना आपने, वन। अब आप देख रहे हैं कि उसका मसल जो है वो ज़्यादा एक्टिव हो गया, क्योंकि मसल पे लोड, मसल अंडर टेंशन ही है, मसल से लोड ट्रांसफर नहीं हो रहा, जब आप ट्विस्ट करते हैं तो लोड ट्रांसफर होता है, मसल रिलैक्स होता है। गुड सेट अली, वेरी नाइस, बैक स्ट्रेट है, शोल्डर्स स्ट्रेट हैं, एल्बोज आर लॉक्ड, वेरी नाइस, एक्सीलेंट अली, गुड सेट, थैंक यू। थर्ड क्वेश्चन कर, और इसके भी हम करेंगे 4 सेट एंड 8 रेप्स, स्लाइटली वेट थोड़ा हैवी रहे। आज अप्रोच करते हैं, प्रिचर के हम वेट ज्यादा नहीं लगा रहे क्योंकि अली काफी एग्जॉस्ट हो चुके हैं, नॉन स्टॉप वर्कआउट कर रहे हैं, तो ग्रिप करेंगे अली, आप ग्रिप देखें इनकी, एल्बोस बिल्कुल न्यूट्रल, सॉरी स्टार्ट, बिल्कुल स्टार्ट, नाइस, वेरी नाइस, वन टू थ्री। बिलाल आपको और एक्सरसाइज में बताते हैं कि आपने कंट्रोल मूवमेंट करना है, एक्सेलेंट, आपको कहूँगा कि ये कंट्रोल मसल की पीक देखें, मसल पे फोकस कितना अच्छा किया उन्होंने, वेरी नाइस अली, वेरी नाइस, कीप गोइंग मैन, कीप गोइंग, उधर से आते हैं, फोर कर लिया, कट कर दे, चल, वेरी गुड, गुड साइड अली, वेरी नाइस, एक्सीलेंट रेप्स यार, एक्सीलेंट रेप्स। अब हमें हैवियर वेट का मतलब ये नहीं होता कि आप स्विंग ले रहे हैं, आप जर्क ले रहे हैं, आपने वेट बहुत ज़्यादा लगाया हुआ है और आप ऐसे ऐसे करके उठा रहे हैं, हैवी वेट का मतलब ये होता है कि आपके मसल पे 100% लोड आ रहा है, जितना आपका मसल लोड बर्दाश्त कर सकता है आप उसको उतना लोड डाल रहे हैं। अली ने इस वेट पे, अली के लिए वेट बहुत कम है, अली ने इस वेट पे अपनी 100% एफर्ट की है, तो आपकी 100% एफर्ट चाहिए एक्यूरेट एंगल्स के साथ, गलत एंगल आप जितना मर्जी वेट लगा लें, मेरा नहीं ख्याल से कोई ज़्यादा फर्क पड़ता। ट्राइसेप की फर्स्ट एक्सरसाइज हम क्लोज भी बेंचेस लगाएंगे और अली वर्कआउट स्टार्ट करते हैं, अली ग्रिप करें, ग्रिप देखें आप इनकी, ग्रिप ठीक हो, ग्रिप देखें, वेरी गुड, ठीक है,
Very good. One. Two. Good set. Good range of movement. Full control. Very nice, Ali. Excellent. Very nice. Thank you. Second workout हमारा होगा overhead dumbbell का और अली perform करेंगे. आजी अली. Seated overhead dumbbell press. Seated overhead dumbbell press करेंगे हम. इसके 4 sets करेंगे और 12 reps. अली. मैं grip ठीक करवानी है. Grip ठीक है. बार दफ़ा जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो आपको इतना पता नहीं चल रहा होता कि आपकी ग्रिप कहाँ पे है. तो जो आपके साथ आपके ट्रेनर हैं या आपके पार्टनर हैं, आप उनसे हेल्प लिया करें इस बारे में. जी बिल्कुल ठीक ग्रिप है. ठीक है. वेरी नाइस. और नीचे जाएंगे. एक्सीलेंट. टू थ्री. वेरी नाइस. वेरी नाइस. वेरी गुड. टेन. टू मोर. One more. Very good. Very good, sir. Thank you. Tricep ka last workout hai hamara. Third exercise hai. 12 reps karenge and 4 sets ke saath. Come on. Good. Agar aapko nazar aa raha ho to back inki bilkul straight hai. Bilkul back bend nahi hai. Elbows are locked. Aur ye Keep moving. Very nice. Full control. Very good. Very nice. Very nice. Smooth set laga rahi hai. Perfect angle ke saath. Very nice, Ali. Excellent. Very good. तो आपने देखा कि अली का आज का बाइसेप और ट्राइसेप का वर्कआउट. और अब अली आपको बताएंगे फोरआर्म की दो एक्सरसाइजेस जो आपने आर्म्स में कर दी. वैसे तो इन दिनों में आप 15 से 18 सेट्स करें टोटल, ठीक है. लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी एनर्जी बाकी 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 बची है तो फोरआर्म्स के लिए मैं आपको एक्सरसाइज बता रहा हूँ. साथ आइए. हाँ, केबल इधर ही लगा दूंगी. फोरआर्म का वर्कआउट बताएंगे अभी. इसके हम 2 सेट्स करेंगे और 20 रेप्स करेंगे. आप ग्रिप देखें. ये एक्सरसाइज आप बार के ऊपर बेंच के ऊपर बैठ के भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको यहाँ पे कर रहा हूँ, केबल पे कर रहा हूँ. ठीक है, आपने सिटिंग पोजीशन में इसको करना है. ग्रिप देख लें आप. ठीक है, ये ठीक है. और ये मैं 12 से 15 रेप्स कर रहा हूँ क्योंकि मेरे बाजू बहुत थक चुके हैं. अब आप इसको 20 तक या 25 तक लेके जा सकते हैं एज पर योर कैपेसिटी. ठीक है, और इसके आप करेंगे 3 सेट्स. रेप्स मैंने आपको बता दिए हैं. सेकेंड एक्सरसाइज स्टैंडिंग पोजिशन में करेंगे. ठीक है, फोरआर्म के लिए ये भी सेम इसी तरह है. आप बार के ऊपर बेंच पे बैठ के भी कर सकते हैं, लेकिन इसको मैं यहाँ पे परफॉर्म कर रहा हूँ. इसका एंगल जो है वो आप ऑब्जर्व कीजिए. रेप्स वही होंगे जी. पोजीशन ठीक है. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. थैंक यू जी. और आज का वर्कआउट देखा आपने. आज अली काफी एग्जॉस्ट हुए और मैं बच गया हूँ. नेक्स्ट वर्कआउट हमारा लेग्स का होगा इंशाल्लाह. सून वो वीडियो भी अपलोड हो जाएगी. उसके बाद हमारी नेक्स्ट वीडियोस आती रहेंगी. हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट्स करें. थैंक यू.